कैप्टन के जाने के बाद पंजाब कांग्रेस का अगला कैप्टन कौन? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की गुगली पर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। सिद्धू की सियासी खींचतानी से नाराज होकर कैप्टन ने पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन ने सिद्धू को इमरान और जनरल बाजवा का जिगरी दोस्त बताकर देश के लिए एक बड़ा खतरा भी बता दिया। पंजाब में आज कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक है और इस बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि पंजाब का नया कैप्टन कौन होगा। इसी से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम आपको बताते हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनाने का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। सुनील जाखड़ को बनाया जाएगा पंजाब का नया सीएम, ये बात कही जा रही है। अंबिका सोनी और प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। पंजाब में दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये बताया जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम जो होगा वो दलित समुदाय से होगा क्योंकि चुनाव नजदीक है, लिहाजा दलितों को साधने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी, राजकुमार वेरका रेस में आगे हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा भी डिप्टी सीएम की रेस में आगे हैं, सिद्धू के करीबी हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धू को बतौर सीएम कांग्रेस आगे नहीं करना चाहती है। तो सिद्धू जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं पंजाब में, उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, यह बात साफ हो रही है क्योंकि वो एक बहुत गलत मैसेज आ सकता है। सुनील जाखड़ का नाम जो है वो सबसे ज्यादा अभी सामने आ रहा है। तो पंजाब का अगला कैप्टन कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सवाल का जवाब आज मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए। देखिए ये नाम जो आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि पंजाब में सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सबसे पहला नाम जो चल रहा है, जो सबसे ज्यादा चल रहा है, वो सुनील जाखड़ का नाम है। राहुल गांधी, नवजोत सिंह सिद्धू करीबी हैं और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनके पक्ष में जा रहे हैं, लिहाजा सुनील जाखड़ के नाम पर यह माना जा रहा है कि तकरीबन सहमति बन चुकी है। सुनील जाखड़ कौन है अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी हो जाता है। 2002 से लेकर 2017 तक अबोहार विधानसभा सीट से लगातार वो विधायक बने, तीन बार के लगातार वो विधायक हैं। 2017 में गुरदासपुर लोकसभा सीट से बड़े अंतर से इन्होंने जीत हासिल की थी। इसके अलावा पिता की बात की जाए तो बलराम जाखड़ लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं और वो मध्य प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये कई बातें, सुनील जाखड़ 2012 से लेकर 2017 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, यानी काम के लिहाज से एक्सपीरियंस जो है बहुत लंबा उनका है। सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्हीं को हटाकर सिद्धू को वो कुर्सी दी गई थी। हालांकि इनको अपने पाले में सिद्धू ने किया। सुनील जाखड़ के बारे में कहा जाता है कि राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी हैं, लिहाजा दोनों नेताओं को साधने के लिए ये नाम सामने हो सकता है। सुनील जाखड़ पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े हिंदू चेहरे हैं, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इनके पक्ष में जा रहा है और यह एक बहुत बड़ी वजह है। सीएम बनाकर कांग्रेस जाट और हिंदू वोटरों को अपने पाले में कर सकती है, यह बड़ा इनके साथ एंगल जा रहा है। दिल्ली समझौते को रद्द करवाया, बिजली समझौते को, और उसके बाद बेअदबी मामले में आवाज उठाई थी। तो कुल मिलाकर चाहे अपनी कुर्सी छोड़ना हो या इनके कास्ट का मैटर हो, इनके पक्ष में तमाम चीजें जा रही हैं। तीन कृषि कानूनों के अध्यादेश का सुनील जाखड़ ने सबसे पहले विरोध किया था, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन लॉयल्टी जो है वो इनके पक्ष में ज्यादा जा रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ हमारे चंडीगढ़ संवाददाता जुड़ रहे हैं। मोहित, सुनील जाखड़ का हिंदू होना, बड़ा एक्सपीरियंस होना, आला कमान की हर बात को मान लेना और बिना किसी नाराजगी के अपने अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ना, क्या ये सारे फैक्टर्स इशारा करते हैं कि यहां पर वो अगले कैप्टन हो सकते हैं पंजाब के? देखिए, अभी तक जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उसमें सुनील जाखड़ के नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है और राहुल गांधी के ऑफिस से भी सुनील जाखड़ का नाम ही आगे चल रहा है। लेकिन लगातार समीकरण बदल रहे हैं क्योंकि देर रात हरीश रावत के साथ अलग अलग बैठकें हुई हैं जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह और अन्य कई नेता मौजूद थे। तो लगातार घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी आ रही है सुनील जाखड़ का नाम ही आगे चल रहा है। और ये जो करीब 4 से 5 महीने का वक्त बचा है सरकार के कार्यकाल का, उसमें चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की वो जमीनी स्तर पर काम करें और सुनील जाखड़ को आगे रखा जाए, उनको सीएम के पद पर बिठाया जाए। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आज पंजाब में सियासी घटनाक्रम जो है वो काफी तेजी से बदल रहा है और इस पर TV9 भारतवर्ष की लगातार नजर भी बनी हुई है। इधर पंजाब में नए सीएम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर पर देर रात तक बैठक चलती रही। बैठक में पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल और अंबिका सोनी भी शामिल हुई। पंजाब में सीएम की ताजपोशी को लेकर रणनीति बनाई गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से कल इस्तीफा दिया था और उसके बाद से अब नए सीएम की
नाम की तलाश जो है वो तेज हो गई है। देर रात तक बैठक हुई है और आज ये बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास ये तय हो जाएगा कि कौन पंजाब में अगला कैप्टन बनेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार के चेहरे के तौर पर। हालांकि खबर यह भी है कि पंजाब में एक सीएम के साथ साथ दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, यानी हर वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो भी की जाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि पंजाब में सिद्धू का नाम जो है वो सीएम के नाम पर नहीं चल रहा है। उधर पंजाब कांग्रेस विधायक दल की आज एक बार फिर बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में आज सुबह 11 बजे बैठक होगी और ये बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधायक दल के नेता का नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस के दोनों ऑब्जर्वर अजय माकन और हरीश रावत, ये बताया जा रहा है, यहां पर मौजूद रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे और दो ऑब्जर्वर हरीश चौधरी और अजय माकन, वो भी दोनों यहां पर मौजूद रहेंगे। सोनिया गांधी बताएंगी नए सीएम का नाम। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।